अस्सलाम वालेकुम, बेरोजगारी पर घर से बाहर निकाला गया तो फिर कुछ थोड़े से पैसे लेकर के मैंने एक छोटा सा ठिया लिया। अपने दोस्त की रेस्टोरेंट के सामने छोटा सा फ्रूट का ठिया लगाया, क्योंकि डिग्री मेरी कंप्लीट हो चुकी थी तो सोचा क्यों ना एंटरप्रेन्योर बना जाए। जी हाँ, जिसमें फिर मैंने अपने दोस्त के रेस्टोरेंट के सामने छोटा सा ठिया लगाया, जिसमें मैंने हायर किया एक शख्स जो कि बेचारा गाँव से आया हुआ था, जिसको नौकरी की भी ज़रूरत थी। छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने अपना ये छोटा सा ठिया स्टार्ट किया। जी हाँ, देखें, जिसमें से मैंने कुछ थोड़ा सामान लिया, जिसमें ग्लासेस, जूसर, मशीन वगैरह सब क्रेडिट पे ली और अपना बिज़नेस शुरू किया। इसी के साथ साथ जो मैं जो फ्रूट लेने थे वो भी मैंने क्रेडिट पे लिए, क्योंकि बिल्कुल रेस्टोरेंट के सामने ही एक जो है वो ठेले वाला भी था जो कि फ्रूट सेल करता था, तो उससे मैंने फ्रूट्स लिए और उसके बाद मैंने ये जूस का काम शुरू किया। जी हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ। जब मैंने पहले दिन अपने घर में अपनी इनकम दी तो वाकई उसके बाद मेरी इज्जत बढ़नी शुरू हुई। जी हाँ, अब मुझे रोज़ाना की इनकम है और ना सिर्फ बचत हो रही है बल्कि जो जो मैंने चीज़ें उधार पर ली थी वो चीज़ें मैं अब खुद नहीं खरीदता जा रहा हूँ। ये देखें, ये वो फ्रूट वाला है जिससे मैं क्रेडिट पर फ्रूट खाता हूँ और उसके बाद जैसे जैसे बिकता जाता है मैं उसको उसकी पेमेंट करता जाता हूँ। इस तरह वो भी खुश है, देखिए किस तरह सुकून से बैठा हुआ है ये, और मेरा भी बिज़नेस चल पड़ा है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ घर पे ना बैठें बल्कि छोटा सा कोई सा भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। शुक्रिया।